Hello dear students, today we are going to start math subject of class 3rd. So if you are watching my video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue students. Dear students, in my previous video we were studying about exercise number 4.2 in which we have completed question number 1, and today we will start question number 2 of this exercise. So question number 2 is, write in column and subtract in your notebook. Yani column mein likhiye aur apne notebook mein subtract kijiye. Subtract kaise karenge bachcho? पहले बच्चों हमें कॉलम में अरेंज करना है इनको, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट 1824 फ्रॉम 3257, यानी 1824 में से 3257 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों एक्सरसाइज है हमारी 4.2, जिसमें 2 का ए है 3257 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1824 को, ठीक है। तो कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा पहले, उसको मैं कॉलम में अरेंज कर लेता हूँ। कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे, यानी इसको ऊपर लिखेंगे, यानी जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले लिखेंगे 3257, स्मॉलर नंबर को उसके नीचे 1824, फिर करेंगे माइनस, ठीक है। तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो 7 माइनस 4 होते हैं हमारे, कितने होते हैं 7 माइनस 4 3। उसके बाद बच्चों 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 माइनस 2 होते हैं हमारे, कितने होते हैं 5 माइनस 2 3। तो 2 है यहाँ पे, तो बच्चों कैरी करना पड़ेगा, तो 12 हो गया। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 4, यहाँ पे 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1। तो हमारा बच्चों आंसर आया है 1433। क्या करने पर, 1824 को 3257 में से सब्ट्रैक्ट करने पर। उसके बाद बच्चों बी क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें 3104 में से 1275 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3104 में से 1275 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस कर देते हैं। अब बच्चे यहाँ पर 4 है, तो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैरी करेंगे कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब 10 में से कर लिया तो यहाँ क्या हो गया 14, यहाँ बचा 9, ठीक है। तो 14 में से 4 को अब माइनस करना है, तो आएगा 9, और 9 में से 7 को माइनस किया आया 2, यहाँ है 0, तो कैरी कर लो 10 हो गया है, यहाँ 2 हो गया है, 10 में से 2 गए 8 और 2 में से बन गया बचा 1। सो आंसर इज 1829। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा सी, 4008 माइनस 2129, ठीक है। 4008 में से 2129 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 8 है तो इधर से कैरी करेंगे, यहाँ बच्चे 4 है, यहाँ कैरी के इधर को, तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से यहाँ करा तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ से इधर किया तो यहाँ हो गया 18, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 3, ठीक है, सही मारा है। अब 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 2 को 7, और 9 में से 1 को करेंगे तो 8 आएगा, 3 में से 2 को तो 1, तो आंसर आया 1879। क्वेश्चन नंबर डी देखें, 6220 माइनस 4046, यानी 6220 में से माइनस करना है 4046 को,
तो यहाँ क्या है, सिक्स है तो इधर से इधर कैरी कर लो, टेन हो गया है। टेन में से सिक्स गए कितने बचे, फोर बचे, यहाँ बचा वन, इधर से इधर कैरी कर लो तो यहाँ अलेवन हो गया है। अलेवन में से फोर गए तो कितने बचे, अलेवन माइनस फोर होते हैं स्टूडेंट्स कितने, सेवन। यहाँ बचा वन, तो वन के नीचे क्या है, जीरो है, वन में जीरो जाएगा तो वन ही बचेगा, और सिक्स में से फोर गए तो कितने बचे, टू। आंसर आया 2174। एक बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री, वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी टू कंप्लीट हो गया बच्चों, मैंने डी तक कराया, ई एफ अपने आप करेंगे, ठीक है ना। तो थ्री में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी इनके बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, टू नंबर्स हमें दिए हैं, तो हमें बच्चों ग्रेटर नंबर में से इसमें नंबर को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे अब यहाँ देखेंगे थ्री का ए, ठीक, तो स्टूडेंट थ्री का ए देखना है, थ्री का ए है 2031 एंड 1299। तो इसमें ग्रेटर कौन सा बच्चों, 2031, इसको हम पहले ही लिखेंगे, 2031 में से माइनस करेंगे 1299 को, तो वन में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, कैरी कर लेंगे, 11 हो गया, 11 में से 9 के कितने बचे, 2 बचे, यहाँ बचा 2 तो कैरी कर लो, यहाँ से होगा कैरी, यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1, तो 9 में से 2 को कितने बचे, 7, और 1 में से बन गया, सॉरी स्टूडेंट्स, 12 में से 9 के कितने बचे, 12 माइनस 9 होते हैं हमारे, कितने होते हैं 12 माइनस 9, 3, ठीक, और 9 इज टू 7, और 1 में से बन गया 0, आंसर आया 732। क्लियर हुआ, आगे सी देखेंगे, और बी देखेंगे, बी 8264 में से 8264 एंड 9020, यानी 9020 में से 8264 को माइनस करना है, तो 9020 माइनस 8264 कैरी कर लो, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 होगा, यहाँ बचा 1, इधर से कैरी होगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ 10 में से कैरी लेगा हम लोग, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 बचा, बच्चों 11 में से 6 में कितने बचे, 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 8 गया 0, आंसर आया 756। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सी, इन क्वेश्चन नंबर सी वी हैव टू नंबर्स विच आर 4796 एंड 2998। नाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट विच नंबर इज ग्रेटर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज 4796, सो 4796 एंड वी विल राइट बिलो ऑफ दिस नंबर 2998, सो जस्ट नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कांट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 6, सो वी हैव टू टेक ए कैरी, सो इट हेयर विल बी 16, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड हेयर इज 8, सो वी विल कैरी फ्रॉम हेयर, सो हेयर विल बी 17, सो 18, 18 माइनस 9, 9, हेयर लेफ्ट 6, सो वी विल कैरी फ्रॉम हेयर, इट विल बी 16, 16 माइनस 9, 7, एंड हेयर लेफ्ट 3, सो 3 माइनस 2, 1, सो डियर स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 1798, ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन 4796 एंड 2998। And the next number is 3953 and 8000, which is greater here 8000. We will subtract 3953 from 8000. First of all, we have to write 8000
एंड राइट है 3953. सो वी कैन कैरी फ्रॉम हेयर. सो हेयर विल बी 999 एंड हेयर यस 10. तो 10-3 इज इक्वल टू 7 एंड 9-5 इज इक्वल टू 4 एंड 9-9 इज इक्वल टू 0. हेयर लेफ्ट 7 एंड 7-3 इज इक्वल टू 4. Reduced to end the difference between 8,000 and 3,953 is equal to 4,047. So, dear students, I have completed D questions of 3 and E and F left. So, you will complete yourself E and F questions. So, dear students, we have completed exercise number 4.2. If there will be any problems, you can write in the comment box. So, now we'll meet in the next video. So if you have any query, so I told you that you can write in my comment box. So thanks for today. Let's meet in the next video.